दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी। मैं तो ससुराल में दाल रोटी खा खा कर थक गई हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सारी का बहुत सुंदर दिखने लग गई है परी। नन्ही सी राजकुमारी है मेरी बिटिया रानी। आरती बहु इसे मुझे दे दे, तुम बाद में इसके साथ खेलना। अभी तुम्हारी ननद आई है, इसे साए पानी तो पिलाओ। नातिन को गोद में लेते हुए ममता जी ने कहा, आरती को अपनी ननद की बेटी परी से बहुत लगाव था। पिछले महीने जब वो पूरी 3 महीने की होकर अपने दादी के घर गई थी तो आरती का मन बहुत उदास हो गया था। वो परी का खूब ख्याल रखती थी, सगी बेटी का प्यार करती थी। आरती ने अपनी ननद का भी बहुत ख्याल रखा था। प्रेग्नेंसी के दौरान उसे कोई तकलीफ नहीं होने दी। नामकरण की सारी तैयारियां आरती ने ही की थी। सास ममता ने तो सामान का ब्योरा दे दिया कि बेटी ससुराल जाते समय क्या क्या ले जाएगी। बाकी सारी खरीदारी पैकिंग सब कुछ संभालना आरती का जिम्मा था। सारिका दीदी, आपकी पसंदीदा मीठी मठरी और मूंग की कसौड़ी बनाई है, आ जाओ हाथ मुंह धोकर, मेरी परी भी खाएगी क्या? मुस्कुराते हुए आरती ने कहा। वाह भाभी, बहुत मस्त कसौड़ी बनाई है, इतने दिनों से तरस गई थी इस स्वाद को। प्रेग्नेंसी में आपने मुझे बहुत खिलाई थी, हर चीज बनाकर खिलाते थे। ससुराल में तो इन चीजों को तरस गई थी, बस रोटी सब्जी जैसे तैसे बन जाती थी। सारिका ने सटकारी लेते हुए कहा, सारिका जल्दी खा ले, देख मुन्ना भाई आए हैं साड़ियां दिखाने, तुझे जो पसंद आए वो ले लेना। और सुन, 2-3 अच्छी वाली ले लेना। बार बार इनके पास ऐसी बढ़िया साड़ियां नहीं आएगी। पिछले हिसाब के भी पैसे जमा हैं इनके पास, ममता जी ने कहा। ये गोटे वाली साड़ी बहुत सुंदर है, ये लाल बॉर्डर वाली तो और भी ज्यादा सुंदर है, और ये नीली कसीदे की अलग ही पीस लग रहा है। सारी का साड़ियां देखती हुई बोली, वाओ दीदी, ये गोटे वाली साड़ी बहुत सुंदर है। मेरी कब से इच्छा थी कि मेरे पास भी ऐसी साड़ी हो। दीदी आप पिंक गोटे की ले लो और मैं ये लाल गोटे की। अगले महीने मेरी कजिन की शादी।
शादी में इसे जरूर पहनूंगी। साड़ियों की समक दमक देखकर आरती बोली, तुझे किस बात की साड़ी चाहिए अभी? मैं तो बिना रीत के कुछ नहीं दिलाऊंगी, न तो तेरा जन्मदिन है अभी और न ही साल गिरह, तो फिर तुझे बिना मतलब मैं क्यों साड़ी दिलाऊं? मैं तो बस रीत का रायता ही करूंगी। साल में दो मौके आते हैं, बस उसी पर ही कुछ दूंगी, अन्यथा खुद के पैसे से ले लो, बेकार का खर्चा नहीं करूंगी, ममता जी ने मुंह बनाकर कहा। आरती सास का ये अनैच्छिक जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसने साड़ी वाले भैया जी और ननद की तरफ देखा, उसकी नजरें नीचे झुक गई। उसे बहुत दुख हुआ कि यदि सास को साड़ी के लिए मना ही करना था तो सब के सामने इस तरह से बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बहू एक साड़ी की भी हकदार नहीं है? बेटी को भी तो पिछले महीने ही विदाई के समय ढेरों साड़ी सूट गहने दिए थे, उनके लिए तो कोई मनाही नहीं है, और मुझे एक साड़ी क्या सुंदर लगी, तो इतनी उसी बात कह दी। क्या घर की बहू एक साड़ी लेने की भी हकदार नहीं है? आखिर में दिन रात तो बहू ही आपकी साकरी करती है, उससे सिर्फ काम करवाने के लिए ही रखा जाता है। लाड प्यार और भेंट के लिए सिर्फ बेटी आखिर क्यों? ठीक है, आप अपने हिसाब से बहू का लेन देन रखती हैं, तो फिर बेटी के लिए बेहिसाब खर्च क्यों? अभी पिछले महीने ही तो सब लेन देन किया था, और अगर कभी कभार साड़ी दिला भी दे तो क्या? खर्च तो आप सारा बेटे से ही तो लेते हैं, ऐसे में बहू का मान रखने के लिए एक साड़ी लेती तो मेरे मन में आपके प्रति कितना सम्मान बढ़ जाता, और मैंने तो वैसे भी आप दिलाए ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया, वो तो बस साड़ी मन को लुभा गई तो कह दिया कि ये मैं लूंगी, पर आपने उसी मानसिकता की बात कह कर मेरा मन कुंठित कर दिया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, आरती आंखों में आंसू लिए साड़ी को वहीं छोड़कर जाने लगी। क्या हुआ भाभी, आप नहीं ले रही क्या साड़ी? सारिका ने पूछा। नहीं दीदी, अब मन नहीं है, असल में कहूँ तो बहू एक साड़ी की भी हकदार नहीं होती, वह सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाती हुई ही सबको अच्छी लगती है, जहाँ अपनी पसंद की चीज के लिए मुँह खोला वहाँ उसे बिना मतलब के तंज सुनने को मिलते हैं। आपको जो लेना है ले लो, आरती ने सास को घूरते हुए कहा। दोस्तों
कई घरों में आरती जैसी महिलाओं की स्थिति होती है, जहां सास अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करती रहती है, पर बात जैसे ही बहू पर आती है तो रीत के अनुसार ही लेन देन करने की बात कहती है। क्या बहू आपके घर की सुबह नहीं है? सारा दिन तो वही आपकी सेवा शुश्रूषा करती है। ऐसे में अगर आप उसका मन नहीं रखते, उसके अहम को ठेस पहुंचाते हैं, तो फिर वो आपका मान सम्मान का ख्याल क्यों रखेगी? क्या ससुराल में बहू अपनी सास से एक साड़ी की भी हकदार नहीं होती?